नमस्कार दोस्तों, 17 साल के बाद फौजी लौटा अपने गांव तो लोगों ने स्वागत में बिछा दी अपनी हथेलियां। भारतीय सेना के जवान देश का गौरव है और जब वो अपनी सेवा पूरी कर लौटते हैं तो उनका कुछ ऐसा ही स्वागत होना चाहिए जैसा कि मध्य प्रदेश के नीमच में हुआ। अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की रक्षा का संकल्प लेने वाले फौजी हमारी शान है। बॉर्डर पर दिन रात की परवाह किए बिना वो हरदम तैनात रहते हैं ताकि आम जन चैन की नींद सो सके। देश की सेना के वीर जवानों के हर किसी का सर गर्व से ऊंचा होता है और सम्मान में झुकता है। एक सैनिक के लिए कुछ ऐसा ही दिल खुश कर देने वाला नज़ारा मध्य प्रदेश के नीमच में देखने को मिला, जहां एक फौजी जब रिटायरमेंट लेकर घर लौटा तो गांव के लोगों ने उसके स्वागत में अपनी हथेलियां बिछा दी। आपको बता दें कि ये बेहद खूबसूरत पल महसूस किया भारतीय सेना के जवान विजय बहादुर सिंह ने, जो 17 साल सेना में सेवा करने के बाद अपने गांव जीरन 3 फरवरी को लौटे थे। गांव के लोगों को जैसे ही पता चला कि उनके विजय रिटायर होकर आने वाले हैं तो ग्रामीणों ने उनके स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। जगह जगह फूल लगाए गए। गाँव का हर एक शख्स अपने घर के बाहर आ गया ताकि रिटायर फौजी का स्वागत कर सके। सबसे पहले गांव के लोगों ने जमीन में अपनी हथेलियां रख कर फौजी के पांव को उन पर रखवा कर उन्हें प्रवेश करवाया। फिर यहां से फौजी को अपने गांव के प्राचीन काली मंदिर ले जाया गया। यहां उन्हें गणेश भगवान के दर्शन कराए गए। खुद के लिए ग्रामीणों के ऐसे भाव देख फौजी विजय बहादुर भावुक हो गए। कहने लगे कि अपना गांव स्वर्ग से भी अच्छा होता है। सचमुच मुझे आज लगा कि सेना और सैनिक का सम्मान लोग कितना करते हैं। मैंने अपनी 17 साल की नौकरी में कई जगह सेवाएं दी थी, लेकिन जो सम्मान और प्यार यहाँ गांव के लोगों ने दिया उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब मेरा एक ही लक्ष्य है कि आसपास के गांव के लोगों को सेना में जाने की ट्रेनिंग दूंगा, उनको फौज में जाने के लिए तैयार करूंगा। फौजी विजय के पिता लाल सिंह भी इस मौके पर भावुक हो गए। जब उन्होंने अपने बेटे का ऐसा भव्य स्वागत और सम्मान देखा तो वो खुद को भावुक होने से रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, आज मेरा सीना चौड़ा हो गया। मैं चाहता हूँ गांव का हर बेटा सेना में जाए और हर पिता को ऐसा ही गर्व हो। बता दें कि सैनिक विजय बहादुर ने अपनी 17 साल की नौकरी के दौरान कारगिल, सियाचिन ग्लेशियर, बटालिक, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, जयपुर व शिमला में अपने सेवा देते हुए दुश्मनों का सामना किया है। तो दोस्तों, आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें।